नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां रायपुर के बीजेपी कार्य समिति की अहम बैठक है। आपको बता दें कि बैठक में विधानसभा लोकसभा चुनाव में जीत पर नेताओं और कार्यकर्ताओं को दी है बधाई। आपको बता दें मोदी की गारंटी को आम जनता तक पहुँचाने पर हुई चर्चा, निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर हुई है चर्चा। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां रायपुर के बीजेपी कार्य समिति की अहम बैठक में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत पर नेताओं और कार्यकर्ताओं को दी है बधाई। आपको बता दें मोदी की गारंटी को आम जनता तक पहुंचाने पर हुई है चर्चा, वहीं निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं श्रीकांत यद्दू। यद्दू जी, ये जो रायपुर में बीजेपी कार्य समिति की अहम बैठक हुई है, क्या कुछ इसमें नेताओं के बीच क्या कुछ चर्चा हुई है, क्या कुछ पूरी जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, ये आज प्रदेश कार्य समिति की एक बड़ी बैठक जो है वो राजधानी रायपुर में आयोजित की गई है। बीजेपी की ये बैठक है और काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद प्रदेश कार्य समिति की ये बैठक हो रही है। तो ऐसे में काफी अहम ये बैठक है, क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर आज छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनाई, ठीक उसी तरह से वो मेहनत दोहराते हुए लोकसभा के जो चुनाव हुए उसमें भी 11 में से 10 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई है और कार्यकर्ताओं की काफी मेहनत इस पे लगी थी। मोदी की गारंटी जो बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में दी थी उसको आम जनता तक पहुंचाने में काफी अहम भूमिका छत्तीसगढ़ में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की रही, और उसी के चलते आज छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भारी बहुमत से जीत हासिल हुई है। तो ऐसे में आज ये जो बैठक है प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, क्योंकि इसमें केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, वो भी आज इस बैठक में शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ से बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव सहित तमाम जो आला नेता है बीजेपी के छत्तीसगढ़ के, वो इस बैठक में मौजूद है। और सबसे पहले जब इस बैठक की शुरुआत हुई तो जो जीत है विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उसको लेकर कार्यकर्ताओं और नेताओं को बधाई दी गई, क्योंकि काफी मेहनत छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में और लोकसभा चुनाव में 11 में से 10 सीटों पर जीत दिलाने में कार्यकर्ताओं और नेताओं की रही है। तो सबसे पहले उनको बधाई दी, उसके बाद जो है किस तरह से मोदी की गारंटी को आम जनता तक पहुंचाना है, क्योंकि कार्यकर्ता ही आम जनता के पास और जो नेता है वो आम जनता के पास पहुंच रहे हैं और वो मोदी की गारंटी से लोगों को अवगत करा रहे हैं कि किस तरह से चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, मोदी की गारंटी पर काम हो रहा है, किस तरह से राज्य सरकार लोगों के लिए योजनाएं संचालित करे, वो तमाम चीजों से अवगत कराया गया कि कैसे आप एक आम जनता तक पहुंचेंगे, कैसे लोगों के बीच पहुंचाएंगे कि राज्य की जो सरकार है बीजेपी की जो सरकार है वो काम कर रही है आम जनता के हित में, किस तरह के फैसले सरकार ले रही है। तो इस तरह से उनको मंत्र दिया गया है कि कैसे आप जो है जनता के बीच पहुंचेंगे, उनको बताएंगे, अवगत कराएंगे। इसके अलावा क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पे छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव होंगे, पंचायत चुनाव होंगे, तो क्योंकि इस बैठक में बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश भर से जो नेता है कार्यकर्ता है उनको बुलाया गया है, जो पंचायत प्रतिनिधि हैं जो बीजेपी की ओर से उनको बुलाया गया है, निकाय के जो प्रतिनिधि हैं उनको बुलाया गया है। तो उनको बताया गया कि कैसे मोदी की गारंटी को लेके जाना है और निकाय चुनाव में किस तरह से परफॉर्मेंस होना चाहिए, क्योंकि जब मनोहर लाल खट्टर जो केंद्रीय मंत्री है वो यहाँ पर संबोधन दे रहे थे, कार्यकर्ताओं को बता रहे थे कि कैसे एक व्यक्ति तक पहुंचना है, हर किसी तक मोदी की गारंटी को पहुंचाना है, किस तरह के वादे जो किए गए थे राज्य की सरकार से और केंद्र की सरकार से उसको आम जनता को अवगत कराना है, कैसे किन किन योजनाओं को आम जनता के लिए संचालित किया जाता है। तो ये तमाम बातें मनोहर लाल खट्टर ने अपने संबोधन में कहे और कहा है कि आम जनता तक जितना ज्यादा हो सके कार्यकर्ताओं को पहुंचना होगा, और क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में काफी कम समय बचा है, संभवतः दिसंबर या जनवरी में निकाय और पंचायत चुनाव जो है वो होते हैं छत्तीसगढ़ में, तो उस हिसाब से ये जो तैयारी है बीजेपी की वो चल रही है।
क्योंकि निकाय चुनाव में एक बेहतर परफॉर्मेंस, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद निकाय और पंचायत चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए बीजेपी जो है वो तैयारी कर रही है, और वो एक तैयारी का ही, आज जो प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक है वो एक तैयारी का हिस्सा ही, इसमें रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे निकाय चुनाव में जीत हासिल की जाएगी, कैसे पंचायत चुनाव में जीत हासिल की जाएगी, कैसे आम जनता तक पहुंचा जाएगा, कैसे एक कार्यकर्ता जो है वो लोगों को जागरूक करेगा कि बीजेपी की जो सरकार है छत्तीसगढ़ में या केंद्र में वो लोगों के हित में काम करिए। तो तमाम बातें जो है वो इस बैठक में हो रही है। बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश भर से पंचायत के निकाय के जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के आला नेता इस वक्त इस बैठक में मौजूद हैं, और चाहे हम मुख्यमंत्री की बात कर ले, क्योंकि अब से कुछ देर बाद छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय, उनका संबोधन होना है, तो वो भी एक मंत्र देंगे कि कैसे निकाय चुनाव और जो है पंचायत चुनाव में जीत दर्ज की जा सकती है, कैसे क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम है उनमें जीत हासिल करने के लिए और बाकी जो निकाय है उनमें जीत हासिल करने के लिए, तो एक काफी अहम ये बैठक है। और इस बैठक में वही रणनीति तय की जाएगी कि कैसे आगे परफॉर्म करना है, किस तरह से आगे काम करना है, कैसे सरकार की योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाना है, तो इन तमाम बातों पर ये बैठक में अभी चर्चा चल रही है। और अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो अपना संबोधन देंगे, तो वो और भी बातें अपने कार्यकर्ताओं के सामने रखेंगे कि कैसे छत्तीसगढ़ की सरकार आम जनता के लिए योजनाओं का संचालन कर रही है और उसको कैसे आम जनता तक पहुंचाना है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां रायपुर के बीजेपी कार्य समिति की अहम बैठक, बैठक में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत पर नेताओं और कार्यकर्ताओं को दी बधाई। मोदी की गारंटी को आम जनता तक पहुंचाने पर हुई चर्चा, निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भी हुई है चर्चा।